नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड इम्प्रूविजेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले आपने देखा होगा कठपुतलियों के तमाशे हुआ करते थे, आजकल तो नहीं होते, लेकिन पहले पपेट्स छोटी छोटी कठपुतलियाँ रहती थी, एक बड़ा सा स्टेज रहता था, उस पर वो कठपुतलियाँ नाचती थी, गाती थी, कोई राजा बनता था कठपुतली, कोई रानी बनती थी, कोई वजीर बनता था, कोई राक्षस बनता था, कोई चोर बनता था, कोई सिपाही बनता था, ऐसे बहुत सारे पपेट्स जो है उनका शो किया जाता था और लोग बड़ी भीड़ लगाकर उसको देखा करते थे। और कभी चोर पुलिस वाले को धोखा देकर चला जाता था, फिर पुलिस वाला उसे बंदी बनाकर लाता था, फिर राजा उसे सजाएं देता था, फिर राजा के दरबार में नृत्य हुआ करता था और बहुत सारी भीड़, बहुत सारा मजमा लगाकर लोग उस शो का मजा लिया करते थे कि अरे वाह, राजा ने क्या न्याय किया, कैसे चोर ने पुलिस वाले को धोखा दे दिया, कैसे पुलिस वाला चोर के पीछे भागा, और बड़े अटैच हो जाते थे उस खेल से। वही खेल आजकल आधुनिक रूप में सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं। कठपुतली के तमाशे से आपको इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ेगी। और होता क्या था कि पीछे एक पर्दा लगा रहता था, उसके पीछे कठपुतली वाला बड़ा एक्सपर्ट कलाकार जिसकी उंगलियों में धागे बंधे रहते थे और वो कठपुतलियों को नचाता रहता था, लड़वाता था, आपस में दोस्ती करवा देता था, धागों से वो सारे खेल को नियंत्रित करता था। आप लोग जोर जोर से तालियां बजाते थे तो और झगड़ा करवाता था, पुलिस वाले से चोर को पिटवाता था, चोर को दौड़ाता था, वो आपके इमोशंस और एक्साइटमेंट का पीछे से वो भी मजा लेता था, लेकिन उसको आपके इमोशंस और आपके एक्साइटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो पीछे से कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था, वो इमोशनली अटैच नहीं था इस खेल से, और आप इमोशनली अटैच थे इस खेल से। जैसे सिनेमा के पर्दे पर चलचित्र चलता है, मूवीज चलती है, और हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं जिस डायरेक्टर ने, जिस प्रोड्यूसर ने, जिन एक्टर्स ने उन फिल्मों में काम किया, उन कहानी के पात्रों को जीवंत किया, उनको उनके इमोशन से कुछ लेना देना नहीं था। ये बात इसलिए सुनाई मैंने आपको, अब इसको दूसरी तरह से समझो। अब समझो, ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है, इस पर हम अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। कभी हम सुख के किरदार में होते हैं, कभी दुख के किरदार में, कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़े रंगमंच पर हम अलग अलग रोल, अलग अलग लोग प्ले कर रहे हैं। समझो एक बहुत बड़ी फिल्म चल रही है जिसमें अनलिमिटेड कलाकार काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी मूवी आती है ना, उसमें बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, तो समझो बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, हमारा भी अपना रोल है। अब उस फिल्म में ऐसी सुविधा है कि आप जिस सीन में चाहो उस सीन में घुस सकते हो, है ना। बहुत सारे सीन चल रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज एक साथ चल रही है उस फिल्म में, आप जिस स्टोरी में चाहो उस स्टोरी में एंटर कर सकते हो। अरे ये वाली स्टोरी देखनी है, दुकानदार की स्टोरी देखनी है, अरे ये वाली देखनी है, माफिया डॉन इसमें स्मगलिंग कर रही है, ये वाली स्टोरी देखनी है, अरे ये वाली स्टोरी देखनी है, इसमें पुलिस वाले चोरों को पकड़ रहे हैं, अरे ये वाली स्टोरी देखनी है, इसमें पॉलिटिकल लीडर लोग किस तरह से देश को नियंत्रित कर रहे हैं, कौन कौन से करप्शन फैला रहे हैं। जो स्टोरी देखनी है उसी स्टोरी को देख सकते हो इस बड़े रंगमंच पर, एक बड़ी फिल्म चल रही है। तो इस बात से सिर्फ इस बात को समझना है कि स्टोरी देख रहे हैं, तमाशा देखने वाले हैं, तमाशा नहीं है, रोल प्ले कर रहे हैं, रोल नहीं है, किरदार अदा कर रहे हैं, किरदार नहीं है, घटना घट रही है, हम उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो लाइफ से इमोशनली अटैच मत होइए, इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो जिंदगी को कभी नहीं समझ पाएंगे। इमोशनली अटैचमेंट आप नहीं होंगे तो जीवन के रहस्य पल भर में समझ आ जाते हैं। किसी दिन ये एक्सरसाइज करके देखना आप कि जिंदगी एक बहुत बड़ा ड्रामा है, तमाम खेल चल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी लाइफ है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को नौकरी की तलाश है, किसी की नौकरी लग गई तो उसे शादी करनी है, किसी की शादी हो गई तो उसके बच्चे होने हैं, अब बच्चे भी हो गए, शादी भी हो रही तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन चल रही है, अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं। इन सब कहानियों का अंत क्या है? जो कलाकार हैं वो एक दिन मिट जाएंगे, उनके रोल खत्म हो जाएंगे, वो कहानी खत्म करके इस शरीर के चोले को छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे।
जैसे हम फिल्मों में रोल अदा करने के बाद ना वो कॉस्ट्यूम उतार देते हैं, जैकेट्स उतार देते हैं, मुकुट उतार देते हैं, चश्मा उतार देते हैं और नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। जैसे आपने रजनीकांत की मूवीज़ देखी होंगी ना, किसी में वो राजा का रोल अदा करते हैं, किसी में वो बहुत बड़े विलेन बन जाते हैं, किसी में बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, और नॉर्मल लाइफ में वो कैसे हैं, एकदम सीधे साधे। यानी कि हकीकत में वो कुछ और है और दिखते कुछ और है। यानी कि हम हकीकत में कुछ और हैं और दिखते कुछ और है। जो दिखता है वो धोखा है, जो दिखता नहीं वो सच है। सच को देखा नहीं जा सकता, सच को सिर्फ समझा जा सकता है, समझकर अनुभव किया जा सकता है, अनुभव कर जिया जा सकता है। जब जीने लगेंगे आप, जब अनुभव करने लगेंगे आप, जब समझने लगेंगे आप, तब फिर रहस्य खुलकर दिखने भी लगते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कहीं कोई रहस्य है ही नहीं, बस इसे समझने की जरूरत है और कोई बेहतरीन पर्सन समझाने वाला चाहिए जिसे हमें ये जीवन के रहस्य समझ आ सके। ये बड़े आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन हमने इतनी सरलता से, इतनी सहजता से कभी जिंदगी के इस खेल को समझने की कोशिश ही नहीं की। रहस्यों के आगे रहस्य यही है कि हम इस किरदार में शामिल थे, हम इस किरदार में थे नहीं, हम इस फिल्म में शामिल थे, हम इस फिल्म में नहीं थे। हम इस फिल्म को देख भी रहे थे और पार्ट भी प्ले कर रहे थे। जैसे आप किसी मूवी में काम करो, किसी ड्रामा में काम करो, और फिर जब वो रिकॉर्ड हो जाए तो आप उसको बाहर से देखो। तो अभी हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है और देखना भी है, हमें एक्टिंग भी करनी है और देखना भी है, हमें ये बोलना है आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ दिस पर्सन ऑफ दैट पर्सन। बस फिर जिंदगी की सारी समस्याएं पल भर में सुलझ जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ना, जीवन के सारे रहस्य धड़ाधड़ खुलने लगेंगे और आप निर्भर हो जाओगे और आप आनंद में आ जाओगे और अब जीवन से डिटैच होकर इस अटैचमेंट का मजा लेने लगोगे। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आपको जरूर वो बातें समझाते होंगे जो बड़ी गूढ़ता से कही गई और आम आदमी की समझ में नहीं आई। अगर अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।